तो सैमसंग लॉन्च कर दिए 5 TV 32 इंच की और 43 इंच की और 49 इंच की और 20,000 से रेंज है 67,000 तक की। 32 इंच वाली टीवी की वीडियो यहाँ पे दे रखा हूँ मैंने, आप देख सकते हैं यहाँ पे ठीक ठाक टीवी थी, इतनी कुछ खास नहीं है, प्राइस सही नहीं है दोस्तों, अभी भी बहुत ज़्यादा है। दूसरी मतलब एक 43 इंच की और थी, उसकी भी मैंने वीडियो बनाई है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं N5370 जिसके दो वर्जन आते हैं 43 इंच और 49 इंच की। 43 वाले इंच का प्राइस है 41,800 और 49 वाले का है 67,400 दोस्तों। प्राइस बहुत ही ज़्यादा है लेकिन टीवी में कुछ फीचर्स भी हैं जिनके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। माय नेम इज सुधीर शर्मा, यू आर वॉचिंग यूरी रावत, लेट्स स्टार्ट। तो सर बात करते हैं टीवी की, तो फुल एचडी का रिजोल्यूशन है, एचडीआर मिल जाएगा आपको, एचडीआर अपना एचडीआर 4K में एचडीआर नहीं होता, एचडी में भी होता है, 720p में भी होता है, 1080p में भी होता है। तो एचडीआर वीडियो लाइए यूट्यूब पे, चल जाएगी मस्त एकदम क्वालिटी कलर वाले मस्त आएंगे। अल्ट्रा पिक्स कलर टेक्नोलॉजी है, प्योर कलर के साथ आती है, अल्ट्रा क्लीन व्यू है, मैग्नो डिमिंग प्रो है, इंडियन सिनेमा मोड है, स्मार्ट टीवी है। मैं ये सैमसंग की जो टर्म्स फेंक के मार रहे हैं ना तुम लोगों के पास, उसको थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ। अल्ट्रा पिक्स कलर टेक्नोलॉजी मतलब थोड़े कलर्स को इन्हेंस करेगा अपने कॉन्ट्रास्ट रेशो और उस सब चीज़ों से, प्योर कलर दिखाएगा क्योंकि पैनल बहुत अच्छा IPS पैनल है। अल्ट्रा क्लीन व्यू है वाया एल्गोरिथम, जो एल्गोरिथम से क्या करेंगे, जो पिक्सल्स को जोन बनाएगा और माइक्रो डिमिंग प्रो के हिसाब से उसको इन्हेंस कर देगा कलर्स को दोस्तों। इंडियन सिनेमा मोड है, फालतू की चीज़ है कुल मिला के, तो बेवकूफ़ बनाने वाली बात है, आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं और पैसे लूट रहे हैं 67,000 रुपये 49 इंच की टीवी के लिए फुल HD के लिए दोस्तों। खास फीचर इस टीवी में जो है, जो मेरे को अच्छा लगा, 40 वॉट के स्पीकर जो कि 4 चैनल सराउंड साउंड के देंगे, उसमें म्यूजिक कास्ट का एक अलग से सॉफ्टवेयर टाइप है जिसमें हम गाने चलाओगे तो ऐसे स्पीकर से बने आ जाएंगे दोस्तों। और दूसरा इनबिल्ट सेट टॉप बॉक्स है कैम मॉड्यूल के हिसाब से। अब इनबिल्ट सेट टॉप बॉक्स ये क्या चीज़ होती है, ऐसे मत करो भाई साहब, छत पे एक एंटीना लगेगा डिश टीवी का, एयरटेल का, सन डायरेक्ट का, टाटा स्काई अभी प्रोवाइड नहीं कर पाता है, वहाँ से वायर आएगी और उसका कैम मॉड्यूल प्रोवाइड करेगा डिश टीवी या एयरटेल या सन डायरेक्ट, जो कि हमारी टीवी में डायरेक्ट घुस जाएगा। कोई सेट टॉप बॉक्स नहीं, कोई सेट टॉप बॉक्स रिमोट नहीं, सीधे सीधे काम होगा सेट। और बाकी बात करें तो दोस्तों होम क्लाउड का सिस्टम है इसमें, जिसमें कि लाइक आप सीधे सीधे अपने फ़ोन में अगर मेमोरी कम हो गई है, स्पेस कम हो गई है, तो कोई फोटो या फिर वीडियो PC मतलब टीवी में डाल सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, तो बस यही था, 2 HDMI के पोर्ट मिल जाएंगे, 1 USB का पोर्ट मिल जाएगा, अनलिमिटेड इंटरनेट में नेटफ्लिक्स चल जाएगा, यूट्यूब चल जाएगा, प्राइम वीडियो चल जाएगा, और चल जाएगा, जी सब चल जाएगा, सब चल जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा। सो क्या था, इस टीवी को लेने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि ये टीवी 67,000 रुपए की है, 67,000 रुपए में इन्हीं की 4K टीवी आ रही है 55 इंच 65 इंच, उसको ले लो यार, ये फालतू की टीवी क्यों लेनी है यार, इसमें कुछ ऐसा खास नहीं है जिसकी वजह से लिया जाए। 40 वॉट के स्पीकर हैं यार, लेकिन अलग से स्पीकर लगा लो 5,000 रुपए के साउंड बार, ठीक है, ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं। मैं बता रहा हूँ ये टीवी नहीं है वर्थ, लेने लायक नहीं है, अगर लेने लायक बढ़ते तो इन्हीं की है NUD 6100, यहाँ पे वीडियो बनाई है, आप जाके उसे देख सकते हैं, वो टीवी लेने लायक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हिट लाइक, गेट सब्सक्राइब हेयर एंड चेक आउट अदर वीडियोज ऑल्सो, थैंक यू।